बारात आई थी आपकी, किस कारण शादी टूटी? वो आया, वो सब खाना पीना ठीक ठाक हो गया, परोठी पे बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगा, खराब पी रखी थी, नशे में ऐसे ऐसे घूम रहा था, आकर डिमांड करने लगा मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, दहेज मांग रहा था। क्या मांग रहा था दहेज में? बुलेट मांगा, चैन मांगी, कैश मांग रहा ज़्यादा फालतू, और उसकी माँ बहन सब जो भी परिवार वाले वो पुलिस ले आए बाद में। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अब तक उन लोगों के खिलाफ? पुलिस ने कुछ नहीं करी, उन्होंने पैसे भर दिए, ये सब घर बैठे अपने घर जाओ या फेरे दे दो जबरदस्ती। अच्छा, कौन फेरे दिवाने के लिए कह रहा था? पुलिस वाले। अच्छा ठीक। नाम है आपका? संजय कुमार। संजय, कल बारात आई थी यहाँ पर, और क्या क्या लगती है वो जिसके यहाँ बारात? किस कारण यहाँ से बारात वापस गई? जब यहाँ आगा लड़का तो दहेज मांग रहा जी, मैंने इस पर गाड़ दी, बुलेट मांग रहा, चेयर मांग रहा और नगद रुपए मांग रहा। और कितना कैश मांग रहा? 51,000 रुपये मांग रहा जी। गाड़ी कौन सी? गाड़ी मांग रहा, बुलेट। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो यहाँ हमने बात बिगाड़ दी, हमने गाड़ी दे दी तो बात बिगड़ गई, तो उल्टा चला गया, और वहाँ से जो हुआ पुलिस वाले इसकी माँ और बहन कपड़े फाड़ के पुलिस आई, ऐसो इंचार्ज ने हमारे को कार्रवाई करी, उनकी सुनी, निस्बत खा ली, हम धमकाए डराए। किस प्रकार धमकाए पुलिस ने? ये धमकाए, तुमने फेरे क्यों नहीं दे रहे, कमी इनकी नहीं है, तुम्हारी कमी है। फिर क्या हुआ? अपने घर आ गए, जब गरीब आ गए हम। तो अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।